हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस बनाना बता रही हूँ। मैं ये कान्हा और राधा जी की दोनों के लिए बनाऊंगी। तो जिसके लिए हमने, देखिए, ये साटन का कपड़ा लिया है, ग्रीन कलर का। जो हमने इस कपड़े की चौड़ाई ली है वो हमने 1 मीटर, सॉरी, लंबाई ली है वो हमने पूरी 1 मीटर ली है। मतलब 1 मीटर में से मैंने ये पूरा पीस कट कर लिया है। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच ली है। 7 इंच हमारा तैयार होगा। आपके जितने भी नंबर के कान्हा जी हैं उस हिसाब से आप बना सकती हैं। तो ये कपड़ा हमारा ऊपर जो हम चोली ज्वाइंट करेंगे, 1/2 इंच हमारा उसमें जाएगा। और बाकी के कपड़े को हम इस तरीके से नीचे फोल्ड करके इसमें लेस लगाएंगे। तो ये तो नीचे का घेरे का कपड़ा हो गया। 1 मीटर चौड़ाई, 8.5 इंच इसकी लंबाई। अब ये हमने जो उनका पटका होता है उसके लिए लिया है। तो देखिए, इसकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। ये 2 इंच का रह जाएगा क्योंकि हमें ये इस तरीके से फोल्ड करना होता है, तो इस वजह से हमने एक्स्ट्रा लिया है। और जो चोली बनाएंगे उसके लिए हमने ये 2 पीस कट किए हैं, जिनकी जो चौड़ाई है वो तो है 2 इंच और जो लंबाई है वो है 6.5 इंच। तो इसी तरीके के मैंने 2 पीस कट किए हैं क्योंकि ये हमारे 2 पीस चाहिए हमको, इस तरीके से ये आएंगे। तो अब, और उसके बाद देखिए, मैंने लेस ली है गोल्डन, जिसमें वर्क आया, ब्लू कलर की लाइनिंग है इसमें, तो इस तरीके की लेस ली है। तो चलिए हम पहले कान्हा जी के लिए बनाते हैं। सेम सेम ही होगा, राधा जी के लिए भी इसी तरीके से बनानी है। और हम पहले कान्हा जी के लिए बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम नीचे का घेरा तैयार कर लेंगे। जो हमने कपड़ा लिया है 1 मीटर, तो इसको हम पहले फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से इतना फोल्ड करना है, फिर उसके बाद इतना। और आप जब भी कान्हा जी की ड्रेस बनाएं, हमेशा आपको साटन का कपड़ा लेना है। और इसको देखिए, हम पहले सीधा फोल्ड कर लेंगे। इसको हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये ब्लू वाली लेस लगाएंगे। देखिए, मैंने इसको नीचे तक फोल्ड कर लिया है, जितना भी मेरा 1 मीटर कपड़ा था। अब उसके बाद पहले हम ये ब्लू कलर की लेस लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरीके से हम पूरे में लगा लेंगे। नीचे बॉटम पे लगानी है हमको। अब ये लगाने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और जो हमने दूसरी लैस ली थी, ये भारी वर्क वाली, इसको हम इस तरीके से रखेंगे इसी के पास में। और देखिए, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी ये दूसरी लेस भी दब जाए और ये भी लग जाए। अब देखिए, हमें दूसरी वाली को भी इसी के पास रख के इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ज्यादा इसके ऊपर चढ़ा के नहीं लगानी है, बस थोड़ी सी डिस्टेंस दे के लगानी है, क्योंकि फिर हमारी लेस झुक जाएगी अगर हम इसको पूरा कवर कर देंगे तो। अब इसको भी हम पूरा लगा लेंगे। देखिए, फिर से बीच में हम ये वाली लगाएंगे, मतलब और पास ये 2 कलर की, और फिर हम ये ब्लू वाली लगाएंगे। तो इसको हम बिल्कुल इस किनारे से दबा के लगाएंगे ताकि हमारी ये लेस दब जाए। इसको भी हम इसी तरीके से सीधा लगा के तैयार कर लेंगे। अब देखिए, मैंने इसका घेरा नीचे का बिल्कुल तैयार कर लिया है। और इसमें हम जो चुन्नटे डालेंगे उसके लिए हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से इसके कमर वाले हिस्से पे इस तरीके से बड़ा धागा करके
ये पूरा पूरे में लगाएंगे, धागा ना टूटने पाए हमारे कहीं से भी। अभी सिलाई को लगा के हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये सिलाई लगा ली है हमने। अब देखिए इसमें से एक धागा खींचेंगे हम इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से चुन्नटे बना लेंगे। और ये चुन्नटे हमें इतनी बनानी है जितनी हमारी चोली का घेरा होगा। अब इनको हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब देखिए मैंने ये चुन्नटे इसमें डाल ली है घेरे में। ये मैंने चोली का हिस्सा और नीचे का घेरे का हिस्सा बना के तैयार कर लिया है। और ये हमने कमर के हिसाब से लिया है प्लेट डाल के, और उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। और उसके बाद जो मैंने दो पट्टियां कट की थी उनके ऊपर देखिए हम इस तरीके से पट्टी को उल्टा करेंगे और इस लेस को सिल लेंगे इसके ऊपर ऐसे। और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट कर देंगे और फिर हम इसे सीधी साइड पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधी साइड पलट देंगे। अब हमने ये पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था देखिए हमारा उल्टी साइड आ चुका है। अब हम फिर से जो हमारा ये दूसरा वाला हिस्सा है यहाँ से देखिए हम फिर से इसको उल्टा करेंगे और लेस को ऐसे रखेंगे उल्टी साइड पे, क्योंकि ये हमने दो पीस कट किए थे, दोनों पीस के ऊपर हमें दोनों साइड में ऐसे ही लेस लगानी है और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। और फिर देखिए इसे हम ऐसे सीधी साइड पलट देंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। मेरी दोनों पट्टियां तैयार हो चुकी हैं। देखिए जो मेरी दूसरी पट्टी थी उसको मैंने तैयार कर लिया है। अब इनको हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे, मतलब जो कहीं से बड़ी या छोटी है उसको इस तरीके से हम कट करके बिल्कुल बराबर कर देंगे ऐसे। और फिर देखिए हमें इनके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हम इसे 1 इंच के बराबर सिलेंगे ऐसे। या तो आप कोई कपड़ा रख लें नीचे या फिर इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख के, तो मैं एक कपड़ा रखूंगी इसके नीचे या फिर कोई लेस का टुकड़ा रख ले। अब देखिए ये हमने कपड़ा लिया है एक, इसको हम ऐसे रख लेंगे इसके ऊपर। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और यहाँ से मैं सिलाई लगा दूंगी इसमें। और फिर जो हमारा दूसरा पीस है उसको भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। फिर हमें एक दूसरे के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है ये, फिर हमारा ये डिजाइन अच्छे से दिखेगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से देखिए पकड़ के। अब हमारी ये चोली तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ से सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, जितना हमने इधर छोड़ा है उतना इधर छोड़ के, मतलब जो कान्हा जी का हाथ है वो अच्छे से आ जाए। तो खूब 1.5 इंच के बराबर खुला छोड़ दें आप इसको। अब देखिए मैंने चोली बना के तैयार कर ली है देखिए इस तरीके से। अब ये कान्हा जी के हाथ वाली जगह हो गई और ये गला हो गया। अब जो हमने ये सेट किया था इसको हम ऐसे सीधी साइड को चोली को उल्टा रखेंगे इस तरीके से और इसमें इसे अटैच कर देंगे।
अगर आपको लगे कि थोड़ी सी बड़ी बैठ रही है तो आप इसमें और चुन्नटे डाल सकती हैं जिससे हमारी बराबर हो जाए, लेकिन हमारी ये सही है बिल्कुल। अब देखिए मैंने इस चोली को इसके भीतर अटैच कर लिया है। अब उसके बाद इसको हम ऐसे खोलेंगे और इसके ऊपर लेस लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लेस को थोड़ा सा हम फालतू निकाल देंगे जो हमारे बांधने के काम आ जाए, और बिल्कुल बीच में रखेंगे हम इसको। इस साइड से भी हम इसे एक्स्ट्रा ही कट करेंगे ऐसे से, और फिर देखिए एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पे हम। अभी देखिए ये ड्रेस बन के तैयार हो चुकी है कान्हा जी की, और अब हम इसका जो पटका है उसको तैयार करेंगे। उसको तैयार करना बहुत सिंपल है, उसको हमें इसी तरीके से तैयार करना है जैसे हमने इस चोली को किया था, और राधा जी की ड्रेस को भी हमें सेम इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको इन्हें पहना के दिखाऊंगी हमारे किस तरीके से बन के आई हैं ये। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी राधा रानी की ड्रेस बन के तैयार हो चुकी है। ये मैंने राधा रानी की भी ऐसी बना ली है, देखिए ये मैंने आपको पहना के भी दिखाई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप चाहें तो इसमें कोई भी लेस अपने तरीके से लगा सकती हैं। ये हमने इनका पटका भी बना लिया है, इस तरीके से ये ड्रेस बन के आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।